हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और पिछले सेशन में हम लोग प्रोनाउन के सभी काइंड्स के बारे में ब्रीफ में जान चुके हैं। तो आज का ये सेशन मुख्यतः फोकस रहने वाला है पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन के अंतर्गत सभी प्रोनाउन में से पर्सनल प्रोनाउन का रोल काफ़ी बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्सनल प्रोनाउन के आधार पर ही अन्य कई प्रोनाउंस का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन को यूज़ करने में एज ए बेस आधार के तरह काम करते हैं। तो सरल भाषा में कहा जाए तो अगर प्रोनाउन की शुरुआत करनी है, बूस्ट करना है प्रोनाउन को, हमें अगर इस लेवल तक पढ़ना है, अगर हम प्रोनाउन को इस लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि हम इससे आधारित इस पर आधारित कॉमन एरर के क्वेश्चंस एग्जाम में कर सकें, तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम पर्सनल प्रोनाउन को सीखना होगा। पर्सनल प्रोनाउन से हमें शुरुआत करनी होगी। तो आइए आज के इस सेशन में मैं आपके साथ पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन से कैसे हम लोग फैमिलिटी बना सकते हैं। पूरे मन से और ध्यान से अगर सीखा जाए तो इसके अंत इस सेशन के अंत तक हम पर्सनल प्रोनाउन के सारे सवालों को हम लोग डील करने में सक्षम हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं, काफी डिटेल से पढ़ते हैं आज के इस सेशन में पर्सनल प्रोनाउन को। मैं दोहराना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा पिछले सेशन की तरह कि आई वी यू ही सी इट और दे को ही पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इन्हीं शब्दों को कुल मिलाकर एक बार में पर्सनल प्रोनाउन का नाम दिया जाता है। इसे पर्सनल प्रोनाउन कहने के पीछे एक और रीज़न है कि ग्रामर के एक चैप्टर पर्सन के अंतर्गत हम लोग चर्चा करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। यानी पर्सन का कैटेगराइजेशन हम तीन भागों में करते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन के अंदर यू आता है और थर्ड पर्सन के अंदर ही, सी और इट के साथ इन सब का प्लुरल फॉर्म दे भी आता है। इन्हें ही हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से यहाँ जानते हैं, जिन्हें आगे चल के तीन पर्सन में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर को बोलते हैं, यानी जो व्यक्ति बोलता है वह स्पीकर, यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन। जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसे हम लिसनर कहते हैं, वो सेकेंड पर्सन होता है। इसके अलावा जो अंडर कंसिड्रेशन रहते हैं, जो चीज़ें या जो वस्तुएँ या जो व्यक्ति चर्चा में रहती है, जिसके ऊपर हम बात करते हैं, जिसके बारे में चर्चा होती है, उन सबको थर्ड पर्सन कहा जाता है। सरल भाषा में आई बी और यू को छोड़कर बाकी सभी नाउन और प्रोनाउन थर्ड पर्सन में होते हैं। तो ध्यान रहे, नाउन हमेशा थर्ड पर्सन ही होता है, इसलिए पर्सन को मुख्य रूप से प्रोनाउन में ही पढ़ा जाता है, जहाँ की ये पर्सनल प्रोनाउन में ही पढ़ना होता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और बी जो आते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन ही है और सेकेंड पर्सन के अंतर्गत जो यू आते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन ही है। नाउन थर्ड पर्सन में होता है, अगर वो मैस्कुलिन जेंडर में सिंगुलर होता है तो उसके लिए ही लगाते हैं, और अगर वो स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर में सिंगुलर होता है तो नाउन के बदले सी लगाते हैं, और नाउन अगर निर्जीव हो और सिंगुलर हो न्यूटर जेंडर का हो तो इट लगाते हैं। नाउन थर्ड पर्सन में अगर प्लुरल हो जाए, नाउन थर्ड पर्सन में ही होता है, नाउन अगर प्लुरल हो जाए तो इसके लिए दे का प्रयोग किया जाता है। कैसे किसका यूज़ कब करते हैं, इसके लिए आप पर्सनल प्रोनाउन को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, तब हम इसके बारे में बेहतर जान पाएंगे। सबसे पहले तो आप पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जान गए कि आई वी यू ही सी और इट तथा दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इन सभी को डिटेल में पढ़ने के लिए, पर्सनल प्रोनाउन को बहुत डिटेल में, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में जानने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, केस चार्ट पढ़ना होगा। जानने के लिए पर्सनल प्रोनाउन को अलग अलग केस में बांटा गया है, अलग अलग केस जो है ये इनके यूज़ पर डिपेंड करता है। यानी पर्सनल प्रोनाउन जो है, आगे चलकर आप जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वह सब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं, अपने आप को एडजेक्टिव के रूप में भी बदल सकते हैं, और इन सब गुणों का अध्ययन जहां हम करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का वह पार्ट केस चार्ट के नाम से या केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस के नाम से जाना जाता है। जिसे आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो ये जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअली में आपका सब्जेक्टिव केस है, है ना। सब्जेक्ट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। और ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ऑब्जेक्ट को हम लोग एक और नाम से प्रोनंसिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस से। इसी प्रकार से केस का तीसरा फॉर्म जो आप देख रहे हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और चौथा फॉर्म जो आप देख रहे हैं वो पजेसिव प्रोनाउन है।
तो आप समझना कि केस के अंतर्गत जब हम प्रोनाउन का यूज करने लगते हैं बेहतर पर्सनल प्रोनाउन का, तो हम सीखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो आई है अगर उसे ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना हो तो वह मी बन जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन बी को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो वह अस बन जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन यू को जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो यू ही रहेगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये यू ही रहेगा। इसी प्रकार जब हम पर्सनल प्रोनाउन ही को सब्जेक्ट के जगह इस्तेमाल करेंगे तो ये ही रहेगा एवं ऑब्जेक्ट के रूप में ये हिम हो जाएगा। सी का भी वही मामला है, सब्जेक्ट के रूप में तो ये सी है लेकिन जहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में इसे यूज करेंगे ये हर हो जाएगा। इट के बारे में यहाँ गलत लिखा गया है, इट जो है वो सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट ही होता है, तो यहाँ इट ही यूज होगा, इसका कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। आगे आप समझेंगे पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ना है पर्सनल प्रोनाउन के बाद। फिलहाल के लिए केस चार्ट में हम दो चीज़ों पर फोकस करेंगे, एक हमारा सब्जेक्ट है और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है। पर चूंकि केस चार्ट अलग से नहीं आएगा, यहीं पर आपको इसके सारे फॉर्म के बारे में जानना है जिसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा फोकस दो चीज़ों पर रहेगा पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, शुरू में एक सब्जेक्ट कहाँ यूज करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ यूज करते हैं। इनसे बाहर निकल कर हम तीसरा चीज़ के बारे में पढ़ पाएंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कब होता है, और जब ये तीनों पर कमांड हो जाएगा तभी हम इस लायक होंगे कि तरह हम पजेसिव प्रोनाउन को समझ सकते हैं। अभी याद रखने के लिए हम सिर्फ ये कर सकते हैं होमवर्क के रूप में, अपने सेल्फ वर्क के रूप में, कि हमें आई का चारों फॉर्म याद होना चाहिए कि भाई आई सब्जेक्ट में आई है, ऑब्जेक्ट में मी है, पजेसिव एडजेक्टिव में माई है और पजेसिव प्रोनाउन में माइन है। वी का अगर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होगा तो अस है और पजेसिव एडजेक्टिव रिक्वायर्ड होगा तो आवर है। इसी तरह पजेसिव प्रोनाउन में ये आवर्स हो जाएगा। यू सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में सेम रहता है लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में योर है और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में योर्स हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस केस चार्ट का अध्ययन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि केस के अंतर्गत सभी प्रोनाउन को चार भागों में डिवाइड किया जाता है। अब इन चार भागों में डिवाइड होने के बाद किसका यूज़ कैसे करना है, आई मीन टू से आई का यूज़ कब करना है, मी का यूज़ कब करना है, आवर कब यूज होगा, तो बी कब यूज होगा, तो योर्स कब यूज होगा, सी कब यूज होगा, किस स्थिति में किसका यूज़ हम करेंगे, इस बात को बेहतर समझना है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से कहते हैं, आई नो सी, मैं उसे जानता हूँ, उसे का अंग्रेजी सी भी हो सकता है और मुझे का अंग्रेजी आई भी हो सकता है, मैं का भी अंग्रेजी आई हो सकता है, जैसे ठीक है। यहाँ पर आप समझना, मैं उसे जानता हूँ मैं काम क्या हो रहा है, जानने का, जो किसी काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, इस हिसाब से आई सब्जेक्ट है और अपने सब्जेक्टिव रूप में है तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या और किसी का जो वाट या हुम का जवाब देता है ना, और वर्ब के बाद मुख्यतः जो शब्द आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं किसे जानता हूँ तो जवाब आया उसे जानता हूँ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सी हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब के बाद भी आया है और दूसरा रीजन की हुम का जवाब भी दे रहा है। तो क्या सी ऑब्जेक्टिव केस का रूप है, नहीं, सी सब्जेक्टिव केस का रूप है, इसलिए यहाँ सी का प्रयोग करना गलत होगा और इस जगह सही सही यूज करने के लिए हर लगाया जाएगा। इसी चीज को समझना है कि जब हम किसी प्रोनाउन को यूज करेंगे तो उसके सही फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, है ना। अब आओ तुम्हें समझाता, अब मैं आपको और बेहतर बताता हूँ कि जैसे एक आदमी बोलता है मुझे एक समस्या है, मुझे एक समस्या है, इस स्थिति में हमें लगता है कि मुझे का अंग्रेजी आई होगा या मी हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कई बार हम लोग सोचते हैं मैं का अंग्रेजी आई होगा और मुझे का मी होगा। अगर हम यहाँ पर मी यूज़ करते हैं तो सवाल है कि क्या है, समस्या है, किसे है, मुझे है, तो समस्या का मालिक तो मैं हूँ, समस्या से प्रभावित तो हूँ, ये मेरे पास समस्या है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है मुझे, तो सब्जेक्ट का काम जब मुझे करेगा तो मी तो गलत हो गया, सब्जेक्ट के लिए कौन सा सही होगा, आई, इसलिए यहाँ आई लगेगा और तब हम बोल पाएंगे आई हैव अ प्रॉब्लम। एकदम बेसिक की बात है कि जब भी कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करे, वर्ब के लिए आए, वर्ब उसी के लिए आए, तो वो हमारा इसी रूप में से किसी में होगा। जैसे जब हम बोलते हैं वी आर इंडियंस, तो यहाँ पर आर का प्रयोग किसके लिए हुआ, वी के लिए हुआ, है ना, और इसीलिए क्योंकि अगर हम यहाँ बोलते आई आर एन इंडियन तो गलत होता, आई एम एन इंडियन होता, मतलब ये आई का वजूद बता रहा है और आई का वजूद बताने के कारण यहाँ पर आई के लिए एम आएगा, वी के लिए आर आएगा, तो बिल्कुल ये सब्जेक्टिव केस में होंगे, जिसके लिए वर्ब आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सिंपल सा बात इससे क्या निकल के आया वो हम अगले रूल में अभी देख सकते हैं कि अगर कोई प्रोनाउन है ना, अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन या यू कहो कि अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है किसी वाक्य में तो यह सब्जेक्टिव केस में होगा,
ही तो मैं आपको समझा रहा था कि दे आर कॉलिंग आई। अब समझना इस बात को कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है, बुलाने का, और वे लोग मुझे बुला रहे हैं। यहाँ पर बुलाने का काम जिसके लिए वर्ब आ रहा है, जो वर्ब के पहले आ रहा है, वो शब्द हमारा सब्जेक्ट होगा। जबकि देम, आप पीछे देख सकते हो, केस चार्ट याद करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर दे जो है वो हमारा सब्जेक्टिव केस है, जबकि देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो जिसके लिए वर्ब आएगा वो चूंकि सब्जेक्ट होगा, यहाँ लिखा हुआ है, अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य करे, यानी जिसके लिए वर्ब आए वो सब्जेक्ट ही होगा। तो चूंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्टिव केस में होगा, जबकि देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस था, इसलिए गलत हो गया। इन द सेम वे अगले रूल में हम पढ़ेंगे कि वर्ब के बाद जो क्या या किसे का जवाब देता है वो शब्द ऑब्जेक्ट होता है। तो वे लोग मुझे बुला रहे हैं, किसे बुला रहे हैं, मुझे, यानी यहाँ हुम का जवाब दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ ऑब्जेक्ट है, पर ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, इसलिए गलत है, यहाँ मी का प्रयोग होगा। आप और बेहतर एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे अगर हम यहाँ पर कहते हैं, इसी चीज को ऐसे रखते हैं, ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा है। इस एग्जाम्पल में क्या हमने फिर कोई गलती करी है? अब ये सवाल यहाँ पर उठता है, तो क्या सीख रहा है? इंग्लिश सीख रहा है। क्या का जवाब दे? वर्ब के बाद आए, समझ लेना वो शब्द ऑब्जेक्ट है। जो काम कर रहा हो, जिसके लिए वर्ब आ रहा हो, जो वर्ब के पहले हो, ये समझ लेना ये सारे सब्जेक्ट के गुण हैं। तो कौन सीख रहा है? वह सीख रहा है। वर्ब किसके लिए आ रहा है? वह के लिए आ रहा है। वह हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्या वह ही सब्जेक्टिव केस में है? हाँ है। तो अगर यहाँ हिम लिखते तो गलत होता कि नहीं? जी बिल्कुल गलत होता, इसलिए यहाँ हिम गलत होता और ही सही होता। एकदम से आसान आसान तरीके से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीज़ें सामान्य लगेंगी। अब अगर हम इस बात को ऐसे रखते हैं कि अगर मान लो सब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन है ना, और उसके साथ एक और प्रोनाउन ऐड हो जाए, जैसे अगर यहाँ पर हम लिखते हैं ही एंड, अब सवाल उठाया कि यहाँ आई होगा कि मी होगा, लिव टुगेदर। तो ये जो एग्जाम्पल है इसका जवाब हम लोग यहाँ से रखेंगे कि सब्जेक्टिव केस के साथ ऐड होने वाला प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में होगा। मतलब अगर आप किसी कंजंक्शन के थ्रू, ऐड करना किसका काम है मुख्य रूप से? कंजंक्शन का काम है। तो अगर आप किसी कंजंक्शन से ऐड करते हो, किसे ऐड करते हो? दो पर्सनल प्रोनाउन को, तो दोनों एक ही केस में होंगे। अगर सब्जेक्ट से ऐड करोगे तो दूसरा वाला भी सब्जेक्ट होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो दूसरा वाला भी ऑब्जेक्ट होगा। मतलब ये लीव हमारा वर्ब है, तो वर्ब को अपने पहले क्या रिक्वायर्ड होता है? बोलेंगे सर वर्ब तो सब्जेक्ट के लिए आता है, वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। कौन रहता है? वह रहता है, रहने का काम भी वह कर रहा है, जो काम करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। अब कहेंगे नहीं, वह और मैं रहते हैं, एक साथ रहते हैं, टुगेदर मतलब एक साथ। तो वह जब सब्जेक्ट है, रहने का काम जब वह कर रहा है, वर्ब के पहले जब वह आ रहा है, तो निश्चिंत हो जाओ कि इसके साथ जिसको ऐड करेंगे वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन है? आई है कि मी है? आई है कि मी है सब्जेक्ट? तो बोलेंगे आई है सर, मी गलत हो गया, यहां जवाब आई हो, सिंपल है। अगर हम यहां पर इसको ऐसे रखते, मान लिया जाए कहते यू, तो यू से तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना, यहाँ पर ही ऑब्लिक हिम रख देते और उसके बाद एंड आई ऑब्लिक मी रख देते और तब कहते आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। इसका मतलब है कि यहाँ पर तीन लोग एक साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तुम, वह और मैं ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अब एक सवाल है कि सर क्या ही पहले, यू बाद में या आई को बाद में नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आप थोड़े सा और इंतजार करो, थोड़ी ही देर में एक टॉपिक आएगा, समय लगेगा, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, वहाँ आपको बताया जाएगा कि 2-3-1 का ऑर्डर फॉलो करते हैं, यानी पहले सेकेंड पर्सन को रखते हैं, तब थर्ड पर्सन को रखते हैं और अंतिम में फर्स्ट पर्सन को रखते हैं। तो यू कौन पर्सन? सेकेंड। ही कौन पर्सन? थर्ड। और आई कौन पर्सन? फर्स्ट। तो 2-3-1 का ऑर्डर फॉलो होता है, इसलिए आप इसको चेंज करोगे तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए ही कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। अगर हमने आई को पहले रखा होता तो गलत हो जाता, ये भी ध्यान रखना, और ये पढ़ाया जाएगा अभी। लेकिन अभी फिलहाल ये जरूरी है कि हम समझें
कि वर्ब के पहले जिसके लिए वर्ब आ रहा है वो सब्जेक्ट ही होगा, तो ऐसे में यू सब्जेक्ट है, यू से ऐड होने वाला शब्द भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ हिम गलत हो जाएगा, और इससे भी पुनः ऐड होने वाला शब्द भी सब्जेक्ट ही होगा, इसलिए मी गलत हो जाएगा और सिर्फ आई ही सही रहेगा। इन छोटी छोटी बातों पर आधारित प्रश्न आते हैं, अगर आप इन्हें समझ रहे हैं, आपको प्रोनाउन आसान लग रहा है, तो समझिए ग्रामर आसान है और इस पर आधारित सवाल भी आपको आसान ही लगेंगे। ओके, तो क्या समझा हम लोगों ने कि वर्ब के पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा, जिसके लिए वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट होगा, जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट हमेशा किस केस में रहता है, तो सब्जेक्ट ये पूछने वाली बात हुई, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में होगा, सिंपल सी बात है, इतना क्या रटना है, समझना है। और सब्जेक्ट के साथ जो ऐड होगा कंजंक्शन से, तो सब्जेक्ट के साथ कौन जुड़ेगा, जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट के साथ ना जुड़ेगा, इसी बात को समझ गए तो अगले दो रूल भी तुम्हारे लिए इजी है ना, वो इसी पर आधारित है। तो चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट में, कि अगर कोई प्रोनाउन, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोनाउन वर्ब के बाद आए, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोनाउन व्हाट या हुम का जवाब दे, प्रोनाउन पर किए गए कार्य का प्रभाव पड़े, तो इस केस में जब प्रोनाउन आपका व्हाट या हुम का जवाब देगा, जब प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा, तो समझ लेना कि प्रोनाउन तुम्हारा क्या चीज है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अभी किस केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का कार्य करे, मतलब वर्ब के बाद आए, व्हाट हुम का जवाब दे, तो समझ लो कि वो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं यू ट्रस्ट ही एंड आई, ध्यान देना आई एंड ही मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि 2-3-1 होता है, थर्ड पर्सन पहले और फर्स्ट पर्सन बाद में, इस चीज का तो ख्याल रखना। अब ये बातों बातों में अभी सिखा दे रहे हैं, फिर आगे लिखा भी देंगे, अभी ये आपको यहां से नहीं चेक करना है, वर्ब के बाद वाला का अलग ऑर्डर होगा, वर्ब के पहले वाले का अलग ऑर्डर होगा, ऑब्जेक्ट का ऑर्डर ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट का ऑर्डर सब्जेक्ट के साथ। तो वर्ब के पहले जिसके लिए वर्ब आया वो मेरा सब्जेक्ट है, तो यू का तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है ना, लेकिन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है ना बाबू, वर्ब के बाद जो क्या किसे का जवाब देगा ऑब्जेक्ट होगा, तुम भरोसा करते हो उस पर और मुझ पर, तो भाई ये तुम्हारा जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो इसका केस तो ऑब्जेक्टिव होना था, और फिर इसमें कोई सवाल ही नहीं करना, अगर ये हिम सही है तो हिम के साथ आई कैसे सही होगा, हिम के साथ जो जुड़ेगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, इस नाते यहाँ पर हमारा ये तो हिम होगा ही, इसके साथ जुड़ने वाला भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ये हमारा अगला रूल भी है। अगर हम कहेंगे वी हैव इनवाइटेड दे, तो क्या ये सही होगा, अगर हम यहाँ पर दो ऑप्शन लिखते एक देम और दे, तो कौन सा सही होता, ये क्या बात हुई, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया सर, है ना, क्योंकि यहाँ वर्ब है, ये भी हमारा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये काम का होने बताने वाला मेन वर्ब है, जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा, हम लोगों ने इनवाइट किया तो इनवाइट करने का काम हम लोग कर रहे हैं, वर्ब के पहले हम लोग आ रहे हैं, वर्ब हमारा इसके लिए आ रहा है, तो जिसके लिए वर्ब आए, जो काम करे, जो वर्ब के पहले आए, ये सारे गुण एक साथ किस में मौजूद होंगे, सब्जेक्ट में, और बी है भी हमारा सब्जेक्टिव केस में, एकदम सही है, गलत तो तब होता भाई साहब जब यहाँ अस लिखा होता, है ना, अभी तो ये सही है, लेकिन जब हम वर्ब के बाद जाएंगे तो हमारे वहां पर चांसेस बनते हैं कि वहां ऑब्जेक्ट ही आएंगे, तो हम लोगों ने इनवाइट किया है, किसे इनवाइट किया है, उन लोगों को मैंने बताया कि जो व्हाट या हुम का जवाब दे, व्हाट या हुम का जवाब दे वर्ब के बाद आकर, तो समझ लेना वो 100% आपका क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस केस में होगा, फिर वो आसान सा सवाल, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होगा भाई, और सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में होता है, तो फिर हमारा यहाँ दे क्या कर रहा है, दे तो सब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव सही होगा, इसलिए दे। इन्हीं छोटी छोटी बातों से पर्सनल प्रोनाउन चलता है और धीरे धीरे ये आसान लगने लगता है एक दो बार पढ़ने से। आइए देखते हैं, अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में, तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का कार्य करे तो वो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। इसके साथ हमने और क्या सीखा कि अगर ऑब्जेक्टिव केस के साथ किसी और प्रोनाउन को भी जोड़ा जाएगा तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस के साथ जुड़ने वाला प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, यानी कि हमारा प्रोनाउन तो जो वर्ब के बाद आएगा वो तो ऑब्जेक्ट होगा ही, उससे जो जुड़ेगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। अगर हम कहेंगे सी नोज
और आपसे फिर पूछेंगे बताओ बाबू आई होगा कि मी होगा, फट से आप बोलेंगे सर वर्ब के बाद कहाँ से आई होगा, जो क्या किसे का जवाब देगा वो कहाँ से आई होगा, ऑब्जेक्ट ला रहे हो ऑब्जेक्टिव केस लगाओ, यहाँ पर मी सही होगा, है ना। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि भाई अब मैं पूछ रहा हूँ ही होगा कि हिम होगा, तो बोलेंगे सर समय आप बर्बाद कर रहे हो, ऑब्जेक्ट के साथ जिसको जोड़ेंगे वो भी तो ऑब्जेक्ट ही होगा, आप ही ने ऊपर लिख रखा है तो यहाँ पर ही लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ तो 110% हिम ही होगा। प्रैक्टिस के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पर क्या ये लिखा हुआ सही है, क्योंकि वर्ब के पहले आपका ये और वर्ब के बाद ये है? जी नहीं, अभी भी ये लिखा हुआ सही नहीं है। लिखने वाले ने ऐसा सवाल बनाया भी है तो उससे गलती हुई है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये हमारा थर्ड पर्सन है, और मैंने आगे बोला है आपको ऑर्डर अभी पढ़ाने वाला हूँ कि 2-3-1 होता है, पहले सेकेंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन और तब फर्स्ट पर्सन। तो ये सही हो के केस के हिसाब से तो सही है बाबू, लेकिन फिर भी ये गलत है क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से हमने यहाँ गलती करी है। यहाँ पर पहले थर्ड पर्सन हिम होगा और तब फर्स्ट पर्सन मी होगा, तो मामला ये बनता है कुल मिलाकर। गहराई से समझो, सीखो, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, बार बार देखना है, एक बार दो बार चीजें याद हो जाएगी और फिर क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा वो बनाना है बस। अगर हम कहेंगे द टीचर हैज पनिश्ड हिम एंड हर, क्या इस बार भी गलत हो गया है? सबसे पहली बात, हैज किसके लिए आया? टीचर के लिए। सब्जेक्ट कौन हुए? टीचर। वर्ब के बाद फिर कौन आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट से जो जुड़ेगा वो कौन होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या हिम ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल। क्या हर ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल, एकदम सही है ना। फिर तो यहाँ ऑर्डर का भी टेंशन नहीं, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, दोनों ही सही है, है ना। फिर ऑर्डर के टाइम में भी हम लोग केस का ध्यान रखेंगे और ऑर्डर का ध्यान तो रखेंगे, रिविजन भी हो जाएगा और नई चीज़ भी सीख जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस का मामला यहाँ हो जाता है ख़त्म, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस के साथ जिसको आप ऐड करोगे वो भी ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, है ना। अब चलते हैं अगले केस में। लेट अस डिस्कस रूल नंबर 5 रिगार्डिंग पर्सनल प्रोनाउन। अब हम लोग रूल नंबर 5 पर चर्चा करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन को लेकर। वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन प्रायः ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, ध्यान रखना। वर्ब अभी मैंने समझाया है और इसको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को मैंने लिखा नहीं था, बताया था कि वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन प्रायः किसका काम करते हैं? ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, और इनको पहचानने का तरीका है कि ये किसका जवाब देते हैं? व्हाट या हुम का जवाब देते हैं। तो अभी तक जो आपको पढ़ाया बोला मैंने वो लिख भी दिया है कि हाँ भाई ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि तुम भूल जाओ। तो ये रूल हमने अभी अभी डिस्कस करा था, फिर भी एक एग्जाम्पल रख लेते हैं। अगर हम कहेंगे स्टूडेंट्स have helped he, तो वर्ब है, वर्ब के बाद आने वाले प्रोनाउन प्रायः किसका कार्य करते हैं? ऑब्जेक्ट का। और विशेष के लिए आप चेक कर सकते हैं व्हाट हुम का जवाब दे रहा है क्या। विद्यार्थियों ने उसकी मदद की है, तो किसकी मदद की है? उसकी। तो ऐसे यहाँ ही चलेगा नहीं, हर तरह से हम लोग पिछले बार में ये समझ चुके हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और क्या किसे से हम लोग इसको कन्फर्म भी कर लेंगे, यही बातें समझा रहे थे। इतना समझा दिया कि अगला रूल आसान हो गया। ये भी हमने आपको अभी अभी समझाया कि जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है ना वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। जो हु का आपका जो जवाब देगा, जो कौन का जवाब देगा, जो किसी काम को करेगा वो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट हमेशा किस केस में होता है? सब्जेक्टिव केस में। जिसके लिए वर्ब आए वो भी हमारा क्या होगा? जिसके लिए वर्ब आए वो भी हमारा क्या होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। अभी यही बातें तो कर रहे थे हम लोग पीछे के रूल में, पर इसको हमने लिख कर भी समझा रखा है आपको। जैसे अगर हम कहते हैं आई एम बिजी, यहाँ कोई काम तो हो नहीं रहा, सिर्फ हम बता रहे हैं कि मैं व्यस्त हूँ, तो एम किसके लिए आया? आई के लिए, तो आई हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। यू हेल्प योर फ्रेंड्स, या फिर कहेंगे यू राइट वेल, आप अच्छा लिख लेते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल में आपको यू तो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी, लेकिन समझदार लोग कहेंगे नहीं सर, राइट जो है काम करने का यहाँ बोध होकर आ रहा है, और काम करने वाला डूअर ऑफ एक्शन हमारा यू है, तो यू सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्ट के साथ जो ऐड होगा वो भी सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद प्रायः आते हैं, जो क्या किसे का जवाब देते हैं, और वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, और ऑब्जेक्ट के साथ जो ऐड होगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब तक का यही रूल हम लोगों ने सीखा है। इसके बाद अब नया
थोड़ा दमदार चीज यहाँ से शुरू होता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे कई बार एग्जाम में आप देखोगे, मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन दूंगा, इस इजी चीज से बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछे गए होंगे कि ईट प्लस बी के बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ बी रेफर कर रहा है किसको, समझना, यहाँ बी रेफर कर रहा है मुख्य रूप से इज और वाज को, है ना, मुख्य रूप से इज और बाज को रेफर कर रहा है क्योंकि ईट के साथ तो सिंगुलर ही वर्ब आएगा और बी का ऐसे रूप चलता है तो बी का रूप आपका पूरा होता है इज एम आर, पास्ट में इसका रूप हो जाता है वाज वर, पास्ट पार्टिसिपल वाला इसका रूप हो जाता है बिन और प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला इसका रूप हो जाता है बिंग। ये पूरा बी का ही रूप है ना, ये पूरा बी का रूप है, पर यहाँ इट के साथ चूंकि इट सिंगुलर है तो इट के साथ इसका दो ही रूप पॉसिबल है, प्रेजेंट में इज और पास्ट में वाज। तो सरल भाषा में आप समझो कि इट इज के बाद या इट वाज के बाद अगर आपको कोई प्रोनाउन दिख जाता है तो वो प्रोनाउन तुम्हारा हमेशा हमेशा किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में। जरा इस एग्जाम्पल को रख लेते हैं पहले, उसको बाद में रखेंगे। इट वाज या वर दे हु हेल्प्ड मी, इट का प्रयोग जब इस तरह से होता है तो ये अपने बाद आने वाले प्रोनाउन पर जोर देता है, वही तो थे, वे लोग ही थे जिन्होंने मेरी मदद करी। इस एग्जाम्पल में कई बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे दे को देख के वर्ब भर देते हैं, जबकि आप वर्ब किसके लिए लगाते हो, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब के पहले। यहाँ सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, इट कर रहा है। इस केस में यहाँ वर्ब लगाना कहाँ समझदारी है, गलत हो जाएगा, इसलिए कौन सा सही होगा, वाज। दूसरी बात, हम ये रटते हैं कि वर्ब के बाद प्रायः ऑब्जेक्ट होते हैं और इस तरह से यहाँ हम लोग गलती कर सकते हैं, ये एक एक्सेप्शनल केस है। इट तो सब्जेक्ट है ही, लेकिन इट जिस पर जोर दे रहा है, जिससे आपका परिचय करा रहा है, वह भी सब्जेक्ट ही है। यहाँ पर इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इट आपका परिचय सब्जेक्ट से ही करा सकता है, इसलिए यहाँ पर अगर किसी बंदे ने देम लिखा तो उसका वही गलत हो जाएगा। तो ध्यान रहे, इट इज या इट वाज के बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा। इट इज आई हु ट्रस्ट यू, मैं ही तो हूं जो तुम पर ट्रस्ट करता है, तुम पर भरोसा करता है। फिर देखो कहीं आई के साथ हिम्मत लगा लेना, क्योंकि यहाँ इट का मामला है, इट के हिसाब से इज लगेगा। तो जब भी इट इस तरह से आए, वो इट इज ही हो, इट इज सी हो, इट इज दे हो, इट इज यू हो, यही सही होगा। और इसके लिए आपको समझना होगा कि यहाँ पर ये किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। तो इट इज हो या इट वाज हो, दोनों ही केस में आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना है, इसके बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में रहता है। काफ़ी आसान सा ये रूल ख़त्म हुआ। पर्सनल प्रोनाउन में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके सवाल बनाना हमारे लिए और भी आसान होता चला जाएगा। तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए पर्सनल प्रोनाउन को और बेहतर समझने के लिए। अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं सब्जेक्टिव केस के बारे में। अब कुछ ऐसे सिचुएशन होने चाहिए जहां हम ऑब्जेक्टिव केस को भी सही सही यूज़ करना सीखे। इसके पहले ही मैंने ऑब्जेक्टिव को जब सब्जेक्टिव बताया तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया। तो अभी जो हमारे पास एक छोटा सा वर्ड है ना, लेट, लेट जो है ना, ये अलाउ का सेंस देने वाला शब्द है। अलाउ का मतलब क्या होता है, अनुमति देना, कुछ करने की आज्ञा देना, कुछ करने देना, सरल भाषा में कुछ करने देना, ये लेट का मीनिंग होता है, अलाउ करना। ठीक है, तो लेट क्या हो गया, एक तरह से अलाउ क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब के बाद क्या आता है, जो वर्ब को कोई, अगर आप किसी को कोई काम करने दे रहे हैं तो जिसको काम करने दे रहे हैं आप, अनुमति जिसे दे रहे हैं तो अनुमति देने वाला कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। लेकिन अनुमति जिसको मिली वो कौन पर्सन होगा, वर्ब के बाद जो आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि लेट वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। बहुत ज्यादा सवाल इससे बन के आते हैं, इसको रूल के रूप में बताया जाता है। अब जैसे हम बोलते हैं मुझे जाने दो, हालांकि यहाँ जाने का काम जो है वो मैं ही करेगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, अरे जाऊंगा तो मैं ही, तो सर तो बोले थे कि काम करने वाला सब्जेक्ट होगा, पर आप जाने के लिए जिससे अनुमति ले रहे हो वो असली सब्जेक्ट है और अनुमति देने का यहाँ असली काम हो रहा है। तो आप वर्ब के बाद जिसको मेंशन करोगे वो वर्ब का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। इसलिए इस स्थिति में आई गलत हो जाएगा और मी सही हो जाएगा। तो ऐसे में लेट सी या लेट हर दो ऑप्शन रख के अगर हम बोलेंगे प्ले, तो ऐसे में आपका जवाब सी सही होगा, हर गलत होगा।
अगर हम बोलेंगे लेट, उसके बाद रखेंगे दे और देम और आपसे पूछेंगे कि बताओ यहाँ लेट देम स्पीक, उन लोगों को बोलने दो, में आप यहाँ पर देंगे बोलने, आप अनुमति देंगे एक तरह से, आप यहाँ पर जो है सेकेंड पर्सन का यूज हुआ है, इसका सब्जेक्ट के रूप में छुपा हुआ है, और इसके बाद आपका यहाँ जो लेट वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में ही आएगा लेट के बाद जो भी आएगा, इसलिए दे नहीं ले पाएगा, इसको देम देना होगा। तो लेट के बाद जो भी, लेट एक वर्ब का काम करता है, इसके बाद जो भी प्रोनाउन आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। आप सोचो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर सवाल होते हैं और सिर्फ नहीं पढ़ने से ये चीज़ें आपको टफ लगती हैं, है ना, और एक बार देख लिया जाए तो सारा आसान लगने लग जाएगा। तो हमने क्या सीखा अभी अभी कि लेट के बाद कौन सा केस यूज करना है, हम लोग को ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। आइए अब सीखते हैं आगे। नेक्स्ट रूल में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव केस के एक नए फीचर के बारे में, प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आएंगे वह भी ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे। ध्यान देना, प्रीपोजिशन छोटे छोटे वर्ड हैं जिन्हें अभी आप अपने बुद्धि ज्ञान से पहचानो, आगे हम लोग प्रीपोजिशन को डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, फोर हो गया, ये वे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उनका पोजिशन बताते हैं, इसलिए इनका नाम प्रीपोजिशन रखा गया है। तो अब आप समझना कि इस तरह के जैसे एट, इन, ऑन, फोर, बाई, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर, इस तरह के छोटे छोटे पोजीशन बताने वाले शब्द अगर आपको नज़र आते हैं, बिटवीन, अमंग, अमिडस्ट, अमंगस्ट, तो ये सारे शब्द जो हैं यही प्रीपोजिशन है। और मैं आपको गाइड करते रहूँगा, बताते रहूँगा, प्रीपोजिशन को सुन के, देख के, पढ़ के पहचानना ही पड़ेगा, है ना। तो आप पहचानते जाइएगा और याद रखिएगा, जहाँ भी प्रीपोजिशन रहेगा अगर उसके बाद कोई प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन दिखता है तो उसका केस पूर्व निर्धारित है, वो सब्जेक्ट नहीं होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अगर हम बोलेंगे लुक एट, अब यहाँ पर आई ऑब्लिक मी, तो कोई बच्चा समझ जाएगा कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो वो अपने जगह वो भी सही है। और इससे भी ज़्यादा सटीक ये समझना होगा कि प्रीपोजिशन है एट और इसके बाद 100% ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो अब यहाँ मी सही होगा। पर बच्चे कहेंगे सर ऐसे भी तो कैच कर ही सकते थे हम, पर ऐसे हर बार नहीं कैच कर सकते, इसीलिए तो ये रूल पढ़ाया गया। टू मी इट सीम्स ईजी, मुझे, मेरे लिए ये आसान लगता है। तो जब आप ये एग्जाम्पल देखोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आप अगर अच्छे से नहीं समझे हो तो आप सिर्फ याद किए हो कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो इट हो गया, और आप इसको भी सब्जेक्ट कंसीडर कर ले सकते हो और सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट वाला रूल लगाना चाहोगे, और इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। एक्चुअली में ये वाक्य के आगे लिखा गया है, बोलने का एक तरीका है कि मेरे लिए तो आसान लगता है यह, तो मेरे लिए यहाँ पर टू के बाद आया था और टू आपका प्रीपोजिशन था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस रूल की क्या आवश्यकता है, कि प्रीपोजिशन के एग्जैक्टली बाद ये मामला जो था ये ऑब्जेक्टिव केस का था, और वर्ब के एग्जैक्टली पहले ये मामला जो था ये सब्जेक्टिव केस का था, तो दोनों चीज़ें अलग हो गई। अब अगर हम कहते हैं बिटवीन यू एंड आई हु इज टॉलर, तो अब इस एग्जाम्पल में बेसिकली वर्ब हमारा यहाँ है और सारी चीज़ें वर्ब के पहले हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि वर्ब के पहले तो भाई सब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पर आई तो ठीक ही है, जबकि मामला कुछ और ही है, इसे कॉमा से सेपरेट किया गया है, इज का सब्जेक्ट तो हु है, असल मायने में यहाँ बिटवीन है और बिटवीन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव, तो चलो भाई यू का तो ड्यूअल नेचर है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये तो सही लिखा हुआ है। के बीच, तुम्हारे और मेरे बीच कौन ज़्यादा लंबा है, तो तुम्हारे तो ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ जिसको जोड़ोगे वो भी तो ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए यहाँ पर आपको मी का प्रयोग करना चाहिए था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रूल क्यों बताया गया, कि वाक्य के शुरू में प्रीपोजिशन आ सकता है और अंत में भी, तो जब वर्ब के पहले प्रीपोजिशन आएगा तो आपको ये रूल बहुत हेल्प करेगा समझने में कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं बल्कि कौन केस आएंगे, और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से जो ऐड होता है वो भी किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो काफ़ी आसान था ये रूल। इस रूल में हमने डिस्कस करा कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है और इसीलिए ऑब्जेक्ट के साथ जो जुड़ता है, जो आता है, वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है ऑन यू, अब यहाँ पर ऑन हर,
अब यहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव है। अब इसको कोई दो कारणों से ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर करेगा, सर वर्ब के बाद आया था इसलिए। ज़्यादा समझदार विद्यार्थी होगा वो ये नहीं कहेगा वर्ब के बाद आया था, वो इससे और सरलतम एक्सप्लेनेशन पर जाएगा और वो कहेगा सर प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए आपने यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। अगर हम बोलते हैं यू आर टॉकिंग टू मी, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल में हम टू के बाद मी इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये वर्ब के बाद आया। जी बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन ये होगा कि सर प्रीपोजिशन के बाद आया है। तो प्रीपोजिशन का ये रूल था कि जहाँ प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आते हैं वो सब्जेक्टिव केस में नहीं रह सकते, वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही रहता है। काफ़ी सारे रूल को हमने बताया है और पर्सनल प्रोनाउन लगभग सीख चुके हैं हम लोग, सभी रूल आसान थे। अगर कहीं कुछ कड़ा लगेगा तो आप उसको दो बार तीन बार देखेंगे, अच्छा समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि ये रूल देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसे ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, ऐसे दम इसमें कुछ है नहीं। देखो, अगर नो बडी बट, नन बट, ऑल बट, एवरी वन बट, सब में क्या कॉमन है? बट। इन सब शब्दों में जो बट आ रहा है ना, बट का मीनिंग होता है के सिवाय, या वट का मीनिंग होता है के छोड़, को छोड़कर, के अलावा। तो यहाँ पर बट जो है वो एक्सेप्शन का भाव देता है, अपवाद का, कि इसको छोड़कर सब बेमान है, ऐसा कुछ। तो अब जब हम आप ये जब एग्जाम्पल रखते हैं कि नो बडी बट, तो यहाँ पर बच्चे ऐसे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने की चीज़ है नहीं, लेकिन बच्चे एकाएक से जब एग्ज़ाम में इसको देखते हैं तो लगता है क्या गया, मैंने तो पढ़ा हुआ नहीं है, बट के बाद क्या करूँ, है ना। तो नो बडी बट मी ऑब्लिक आई वाज प्रेजेंट देयर, वहाँ मुझे छोड़कर नो बडी था, कोई नहीं था, मुझे छोड़कर कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था। मुझे छोड़कर, बट का मतलब के सिवाय, मेरे सिवाय या मुझे छोड़कर कोई नहीं वहाँ उपस्थित था, ये इसकी हिंदी हो गई। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा नो बडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि असली सब्जेक्ट हमारा ही बन रहा है, मुझे छोड़कर कोई नहीं, हमेशा वर्ब इसके अनुसार लगेगा। तो ये तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मामला है, फिर भी मैं यहाँ बताते चल रहा हूँ, तो यहाँ पर वाज लगेगा। अब मामला ये है कि जब सब्जेक्ट सर नो बडी हो गया तो क्या यहाँ मी यूज करें कि आई यूज करें? ध्यान दो, अगर ये वर्ब के पहले नो बडी बट आया है, ध्यान से पढ़ना, नन बट आया है, ऑल बट आया है, एवरी वन आया है, वर्ब के बाद हो तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा, लेकिन वर्ब के पहले आए तो इनके बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। अब बताओ अभी ये कहाँ है? तो बोलेंगे सर वर्ब के पहले है तो क्या यूज होगा? सब्जेक्टिव केस। ऐसे भी वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वही कॉन्सेप्ट लगा देना है। ही नोज, वह जानता है, एवरीवन हर किसी को, लेकिन मुझे नहीं जानता है, मुझे छोड़कर वो बाकी सबको जानता है। इन द स्कूल अब ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं समझाने के ख्याल से, तो अब कहते हैं कि हेयर यहाँ वो सबको जानता है मुझे छोड़कर, मुझे लेकिन नहीं जानता है। अब इस एग्जांपल में क्या हम एक बार माइंड सेटअप कर ले कि बट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ही होगा? नहीं, यहाँ पर नोज वर्ब है और वर्ब के बाद एवरीवन बट आया है, तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, इसलिए इसको मिलने वाला सब भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, मतलब यहाँ आई नहीं चलेगा, यहाँ माई का यूज किया जाएगा। अगर हम कहें ऑल बट सी इज पंक्चुअल, मतलब उसको छोड़कर, ऑल बट सी, ठीक है, उसको छोड़कर सभी लोग पंक्चुअल हैं। अब यहाँ पर लेकिन वह पंक्चुअल नहीं है। अब यहाँ पर आगे मैं आपको प्रोनाउन में बताऊंगा कि बच्चे लोग सोच रहे सी के हिसाब से ही लगा दे रहे हैं, और आगे मैं आपको प्रोनाउन में बताऊंगा कि जब बट जो है ना यहाँ एक तरह से प्रीपोजिशन का काम कर रहा होता है, जब ये के सिवाय या को छोड़कर का मीनिंग देता है, तो आप आगे प्रीपोजिशन में पढ़ोगे कि उसमें बट जो है वो किसका काम करता है? प्रीपोजिशन का। और आगे आपको पढ़ना है कि दो शब्द अगर प्रीपोजिशन से जुड़े हो ना, तो आपका जो वर्ब होता है वो पहला शब्द के अनुसार होता है, तो प्रीपोजिशन का काम करते हुए भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेता है ये, इसीलिए पढ़ाना पड़ा कि बट जब वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्टिव केस के साथ आएगा और वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस के साथ है। आगे आपको पढ़ना है बाबू कि ऑल जब सजीव के लिए आए तो इसके लिए प्लुरल भाव लगता है, सजीव के लिए ऑल जब आए तो इसके लिए प्लुरल भाव लगता है और निर्जीव के लिए सिंगुलर भाव लेता है। तो ऑल सभी लोग पंक्चुअल हैं, सभी लोग के लिए हम भाव लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ इज नहीं होगा, यहाँ असली आंसर आर होगा।
इस लेवल पर आगे भी चर्चा होगी। अभी तो सिर्फ ये समझना है कि ऑल बट नन बट अगर वर्ब के पहले आए तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस होगा, अगर वर्ब के बाद आए तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा। मतलब अगर हम लिखे होते सी हेल्प्ड, अगर हमने ऐसा लिखा होता सी हेल्प एवरी वन, उसने हर किसी की मदद करी, सी हेल्प्ड एवरी वन, बट ही उसे छोड़कर उस लड़की ने हर किसी की मदद कर दी, पता नहीं उसके साथ क्या खुन्नस था, उसकी मदद नहीं करी। अब इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर आपका ये वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का जगह होता है, इसी रूल को बस फॉलो करना, कभी भी एवरीवन ऑल बट ये सब तुम्हारा गलत नहीं होगा, और ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। मतलब ये न्यूट्रल है, वर्ब के पहले आते हैं तो सब्जेक्ट हो जाते हैं, वर्ब के बाद आते हैं तो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, हो गया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल में, इस रूल को तो हमने अच्छे से समझ ही लिया, अब अगले रूल में हम लोग चलते हैं। ये जो रूल है ना बाबू, ऐसे तो सभी रूल इम्पॉर्टेंट हैं, ये रूल जो है ना ये अन्य रूल्स के ऊपर हावी हो जाएगा, आप जो अभी तक पढ़ रहे हो उस पर ये हावी हो जाएगा, उसको सरपास कर देगा, वो सारे रूल को फेल कर दे सकता है, इसलिए VBI मार्क किया हमने, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो, तुलना जब तुम करोगे तो समान केस में करना, मतलब सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करना और ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करना। तुलना कैसे करना है, वर्ब यहां मत देखना कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होगा। श्रीमान, तुलना आज इससे कर रहे हो उसका केस देखना, अगर वो सब्जेक्ट में है तो जिससे तुलना करोगे वो भी सब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर जो ऑब्जेक्ट से तुलना करोगे तो जिससे तुलना करोगे वो भी ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा। अब तुलना पता, अभी तो आप इतने पढ़े लिखे हो नहीं तो तुलना पता कैसे करोगे, तो तुलना पता करने का पहला रीजन दैन से तुलना व्यक्त होती है, अगर कहीं दैन दिख गया तो ये कंजंक्शन दैन जो है तुलना व्यक्त करा लेगा, ये जो एज डॉट डॉट एज करके कंजंक्शन है ये भी तुलना व्यक्त करा लेगा, सो डॉट डॉट एज करके जो शब्द है वो भी तुलना व्यक्त करा लेगा। उसी तरह से टू बी, आपको मैं बताऊंगा किस तरह से वर्ब के बाद अगर टू बी आ जाए तो ये भी तुलना व्यक्त करा लेगा, और तो और अगर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, कभी कभी बहुत कम पूछा जाता है हैड बीन भी, अगर आ जाए तो इसके बाद जो शब्द आएंगे वो तुलना व्यक्त करेंगे। अब इस चीज़ को समझना है तो बेहतर है कि इसके लिए कुछ एग्जाम्पल रख लिया जाए तो ये बेहतर समझ में आएगा, ऐसे तो हमने खाली बोल दिया इतना सारा बात तो याद रहेगा नहीं जब तक इसको माइंड में हम लोग रखेंगे नहीं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, एग्जाम्पल ही है जो रूल को सामने रख सकता है पटल पर। अगर हम कहते हैं, इस एग्जाम्पल को ऐसे देखते हैं कि यू आर वाइजर देन मी, और हम बड़े खुश, सर ने तो बताया था कि भाई वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट, तो यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, ये तो गलत होबे नहीं करेगा, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट तो मी तो सर ऑब्जेक्ट है, ये है एकदम सही है, पर इसको कौन देखेगा कि यहाँ देन लगाया हुआ है, और अगर देन आए तो तुलना होगी, आदमी की तुलना आदमी से होगी, वस्तु की वस्तु से होगी, स्थान के स्थान से ही होगी, यहाँ पर मी आदमी है और इसकी तुलना आदमी से अगर करोगे तो आगे कौन आदमी आया है, यू। यू क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तुलना किससे करनी है, सब्जेक्ट से हुआ ना मी गलत, तो रट लोगे खाली तो गलत हो जाएगा, आधा जानोगे तो कॉन्फिडेंस से गलती करोगे, नहीं तो सुधार लोगे पूरा जानोगे। अगर हमने कहा सी टॉक्स, वह बात करती है लाउडर, ज्यादा तेज आवाज में, देन ही ऑब्लिक हिम, तो आप क्या ऑप्ट करोगे, अगर आप समझ गए होगे तो बिल्कुल लिखोगे, बिल्कुल बोलोगे कि सर बिल्कुल यहाँ पर आप सही बोल रहे हो, इसमें तो कभी भी हम ही ऑप्ट करेंगे, हिम तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के बाद तो होता होगा ऑब्जेक्ट, पर यहाँ तो देन आने से तुलना हो गई है और सब्जेक्ट से तुलना होगी तो सब्जेक्ट ही आएगा, सिंपल है। अब अगर हम आपको लिखे आई वांट, मैं चाहता हूँ टू बी बनना, ही ऑब्लिक हिम, तो मैं वह बनना चाहता हूँ, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो मैं तो उसके जैसा, मतलब मैं अपने आप को उसके जैसा देखना चाहता हूँ, उससे कंपैरिजन कर रहा है, तो कभी कभी टू बी से भी तुलना हो जाती है ऐसे वाक्यों में, है ना, तो यहाँ पर फिर आपका हिम गलत हो जाएगा और ही सही हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर आपको और भी देखना है कि क्या ये सिर्फ देन से ही पॉसिबल है, यू वॉक एज फास्ट एज आई ऑब्लिक मी,
तुम चलते हो उतना ही तेज जितना कि मैं, तो तुम्हारा चलना कंपेयर हो गया ना मेरे चलने से, तुम और मैं में कंपैरिजन बन रहा है ना। कैसे बन रहा है? आए जाए से कंपैरिजन बन रहा है। इस पे इसके पहले कैसे बन रहा था? टू बी से। उसके पहले कैसे बन रहा था? देन से। तुलना यहाँ पर वर्ब के पहले वाले से हो रही है। वर्ब के पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तुलना किससे करोगे? सब्जेक्ट से। भाई मी गलत हो गया है, वर्ब के बाद होता होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन इस केस में संभव नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया है। अब अगर आप इस तरह से समझोगे तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। अगर हम कहेंगे यू आर नॉट सो टॉल एज आई ऑब्लिक मी, तुम उतने लंबे नहीं हो जितना कि मैं, तुम और मैं में तुलना बन रहा है। तुम वर्ब के पहले आया, क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तुलना किससे होगी? सब्जेक्ट से। मी नहीं होगा यहाँ, आई हो गया। अगर हम इसके दूसरे पक्ष को देखें तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल सेट होता है जिसमें हमें देखने को मिलता है आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है आई नो यू बेटर देन, अब यहां एक ऑप्शन रखा ही ऑब्लिक हिम। तो देखो ऐसे एग्जाम जब एग्जाम्पल जब आएंगे एग्जाम में तो वहां पर तुम देन को देखना और पीछे की ओर आना, पीछे की ओर तुमको यू मिला और इधर तुमको ही मिला, दोनों आदमी मिल गए। ये वर्ब के बाद आया और हालांकि तुलना आई और ही में भी माना जा सकता है, पर एग्जाम में वो नहीं होगा। एग्जाम में क्या होगा? वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है तो फिर ये जो नज़दीक में आएगा इसी से कंपैरिजन माना जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट से जब तुम इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ ही गलत हो जाएगा, हिम सही हो जाएगा। ये है ना। तो मैं तुम्हें जानता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा, तो आई नो यू मतलब वह और तुम में कंपैरिजन माना जाएगा। यहाँ पर मेरा वह जो है वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा क्योंकि इसकी जो तुलना हो रही है वो यू से हो रही है और यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर हम कहेंगे सी हेल्प्स यू, तुम्हारी मदद उतनी ही करती है जितनी कि मेरी, एज मच एज आई। अब यहाँ पर मदद करने वाली वह है, बस यही सब्जेक्ट है, इसके बाद मेरी मदद हो रही है और तुम्हारी मदद हो रही है, दोनों ही ऑब्जेक्ट है, दोनों की बराबर बराबर मदद हो रही है, और इसीलिए जब कंपैरिजन हो रही है तो यहाँ ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से ही होगी, यहाँ आई नहीं होगा मी होगा। यही मामला है कि जिससे तुलना होगी भाई वही हो जाएगा। अब देखो तुलना तुमने किससे किससे करी है? एज एज से, सो एज से, निगेटिव में सो एज होता है और पॉजिटिव में और निगेटिव में एज एज दोनों जगह होता है ना। ये हम लोग को अलग से सीखना है कि एज एज का प्रयोग जो होता है, एज डॉट डॉट एज का प्रयोग होता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस में भी सही होता है और निगेटिव सेंटेंस में भी सही होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो सो डॉट डॉट एज है ये आपको सिर्फ, इससे भी सवाल आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस के लिए बना हुआ है ना। यानी कि अगर हम कहेंगे अगर यू आर नॉट एज बिजी एज आई तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि एज का प्रयोग करते समय देखने की जरूरत नहीं है, इसमें एज भी सही हो जाएगा और सो भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटेंस है जैसे कि ये वाला सेंटेंस है और इसमें हम सो लगा देंगे तो सो गलत हो जाएगा। तो निगेटिव में आप सो लगा सकते हो, पॉजिटिव में आप एज लगा सकते हो और निगेटिव में भी एज लगा सकते हो, एज कहीं भी लगा सकते हो, सो सिर्फ निगेटिव में लगाना। अब मामला बच गया किसका? हम लोग टू बी को भी सीख गए। अब मामला बच गया कि कभी कभी बच्चों के लेवल से ऊपर तुलना इस वर्ड से करी जाती है, काल्पनिक वाक्यों में, कंडीशनल सेंटेंस में वर शब्द से तुलना कर दी जाती है। अब कैसे? जैसे बी शब्द से हो गई, बी का मतलब होना और बी का ही रूप है कौन, बी का ही वी टू है वर। अब इससे कैसे तुलना करेंगे ये लोग? यहां देखो इससे तुलना ये लोग ऐसे करेंगे, इफ यू वर मी व्हाट वुड यू डू, ठीक है, अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम क्या करते, व्हाट वुड यू डू, ऐसा सेंटेंस बना लिया, आप पढ़ने में मगन हो गए, आपका ध्यान ही नहीं है। अगर तुम मेरी जगह पर होते, तुम तुलना करा रहा है किससे, मैं से, और हम सोच रहे हैं वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, हो गई गलती, और क्या, यहाँ मी नहीं आई होना चाहिए क्योंकि मैंने बता रखा है कि इफ के बाद जब इस तरह से वर आता है तो तुलना कराता है। इफ सी वर मी,
क्या ये सही है? If सी वर ही, क्या ये सही है? तो हम बोलेंगे नहीं सर या हाँ सर, अपने नॉलेज के हिसाब से आगे और वाक्य बनेगा। बोलेंगे नहीं सर, ही में यहाँ गलत होगा, आप पहले जो बोल रहे थे वही सही है। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करें। If you had been I, बी का ही रूप हुआ ना ये भी। If you had been I, तो यहाँ पर I तो सही होगा, किसी बंदे ने मी लिखा होगा उसका गलत हो जाएगा। इतनी तरह से तुलना वाला, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखना तुम इससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे आगे चलकर, इसको अच्छे से देखना समझना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना, उसको फिर मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अब जब तुलना वाला केस हमारा क्लियर हो गया, हम जान गए कि तुलना समान कारक में होती है, तुलना दैन से होती है, एज एज से भी होती है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में, और सो एज से सिर्फ निगेटिव में होती है, टू बी से भी तुलना व्यक्त कर सकते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, या कभी कभी रेयर केस में देखने को मिला हैड बीन होती है, एग्जाम में रेयर केस में देखने को मिला है कि हैड बीन भी पूछता है। तो अब इसके बाद आप अगले सिचुएशन को समझो, अगले रूल में चलो। अब मेरा पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर्सनल प्रोनाउन तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें चीज़ें ज़्यादा है, पर सभी चीज़ें आसान आसान है, आप तुरंत देखते ही समझ जाओगे। अब इस रूल में देखो, अगर पर्सनल प्रोनाउन के बाद नाउन आए, मतलब हम प्रोनाउन के दो रूपों को यूज़ कर चुके हैं, एक आपका सब्जेक्टिव वाला केस खत्म हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव वाला केस खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन के पजेसिव एडजेक्टिव वाले फॉर्म में, जहां आई का रूप माई होता है, बी का रूप आवर होता है, यू का रूप योर होता है, और इसी तरह से सी का रूप हर होता है, ही का रूप हीज होता है, इट का रूप इट्स होता है, और दे का रूप दियर होता है। हम प्रोनाउन के इस लेवल पर आ चुके हैं, अब तीसरे लेवल पर। तो अगर पर्सनल प्रोनाउन के बाद आपको नाउन नजर आ जाए या बिफोर नजर आ जाए, ठीक है, बिफोर मतलब आई एन जी वाला भर्ब है ना, आई एन जी वाला भर्ब नजर आए, जिस पर कि ऑटोमेटिक है कि वह आएगा उसके बाद, तो पर्सनल प्रोनाउन का अधिकार या संबंध व्यक्त होने लग जाएगा, और इसी कारण से पर्सनल प्रोनाउन अधिकारवाचक फॉर्म में चला जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। पजेसिव का मतलब होता है अधिकारवाचक। तो फिर से सुनना, अगर पर्सनल प्रोनाउन अपने बाद आने वाले बिफोर या नाउन पर अधिकार व्यक्त करना चाहे, तो इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन को पजेसिव एडजेक्टिव का यानी इस वाले रूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे हम कहेंगे आई राइटिंग इज नॉट गुड, अब अगर हम बोलते हैं आई राइटिंग इज नॉट गुड, तो बहुत ख़राब अंग्रेजी मानी जाएगी, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं है। कहना क्या चाहता था उस बात को अगर हम समझ गए तो इसे सुधार लेंगे। ये कहना चाहता है आई राइटिंग मतलब ये इसकी जो राइटिंग है वो, तो इस राइटिंग का संबंध इससे है, और जब हम बिफोर से किसी प्रोनाउन का संबंध बनाना चाहते हैं तो उसको पजेसिव एडजेक्टिव वाला रूप दे देते हैं, तो इस तरह से हम आई राइटिंग हो जाएगा। अगर हम कहेंगे आई लाइक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्योंकि भर्ब है, भर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है। प्रॉब्लम तो तब हुई जब भर्ब के पहले बिफोर था और उसके पहले प्रोनाउन था, और तब हमें उसका रूप बदलना पड़ा। अगर हम कहेंगे आई लाइक सी सिंगिंग, यहां पर आपको समझना होगा कि सी सिंगिंग जो है बिफोर है, बिफोर के एग्जैक्टली पहले सी नहीं हो सकता, इसका पजेसिव वाला रूप क्या होता है, हर होता है, यहाँ पर हर का यूज होगा, हालांकि ऑब्जेक्टिव में भी ये इसी तरह दिखता। तो बेहतर होता कि हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते, जैसे कहेंगे यू लाइक, हाँ भाई यू नहीं है इसमें, कुछ मिसिंग है, जोड़ देते हैं, यू लाइक ही स्पीकिंग। अब इस एग्जाम्पल में देखना यह है कि स्पीकिंग जो है एग्जैक्टली ही के बाद आ रहा है, तो ही का संबंध इससे बनना है, और संबंध तभी बनेगा जब ही संबंधवाचक के रूप में आएगा, हिज हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर बार ये बिफोर से ही होगा, ये नाउन से भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर हम कहेंगे आई ब्रदर इज वेरी गुड, मेरा भाई बहुत अच्छा है। अब इस एग्जाम्पल में ब्रदर जो है आई से अपना रिलेशन को बताना चाहता है, और रिलेशन या पजेशन मतलब अधिकार या संबंध बताना होगा जिस प्रोनाउन से, उस प्रोनाउन को पजेसिव में जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ माई आएगा क्योंकि इसके बाद नाउन आया है। अगर हम कहेंगे सी हैज स्टोलेन, उसने चुराई है, उसने चोरी कर ली है, यू वॉच, उसने तुम्हारी घड़ी चोरी कर ली, हिंदी से ही पता चला तुम्हारी होनी चाहिए। अगर ग्रामर क्या बता रहा है, यू के बाद नाउन आया है, यानी यू पर नाउन का अधिकार होगा, तो नाउन पर यू का अधिकार होगा, और अधिकार बताने के लिए यू को अधिकारवाचक रूप में जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर योर का यूज करना सही रहेगा।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कब यूर लगाना है, कब देम लगाना है, कब दियर लगाना है। भाई जब कोई सब्जेक्ट का काम करे तो वहाँ दे होगा, जब वो ऑब्जेक्ट का काम करे तो वही दे अपना रूप देम में बदलेगा, है ना। जो भी आई होगा तो मी में बदलेगा, सी होगा तो हर में बदलेगा। लेकिन अगर आई के बाद, बी के बाद, यू के बाद, सी के बाद नाउन आएगा तो वो अपने रिस्पेक्टिव हर, हिज इत्यादि में बदल जाएगा। जैसे कहेंगे दे बिहेवियर इज गुड। अब हम दे के बारे में विचार करेंगे ना, क्योंकि अधिकार दे को बताना है बिहेवियर पर, और इसलिए दे अपना अधिकार वाला रूप लेगा तो दियर में बदल जाएगा। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग कब माई का, कब आवर का, कब योर का, कब हर का, कब हिज का, कब दियर का यूज करते हैं या कब इट्स का यूज करते हैं। अब हम कहेंगे इसी तरह से कि क्या सर इसका हिंदी क्या होता है, तो इसकी हिंदी काफ़ी पॉपुलर है। माई मतलब मेरा होता है, आवर मतलब हमारा होता है, योर मतलब तुम्हारा या आपका होता है, हर मतलब उसका होता है, हिज मतलब भी उसका उसकी दोनों होता है, डिपेंड करेगा बोलने के तरीका पर। इट्स मतलब इसका होता है, डियर मतलब उन लोगों का होता है। इसके अलावा इन सभी शब्दों का एक कॉमन हिंदी भी हो सकता है, और वो कॉमन हिंदी होगा अपना। इस हिंदी के लिए हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे कहेंगे आई डू खाली स्थान वर्क। अब एक आदमी बोलता है मैं अपना काम करता हूँ, तो यहाँ अपना के लिए मीनिंग क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहाँ पर अपना के लिए आउन मत लगा देना, आउन को यूज़ करने का तरीका अलग है, आउन अकेले आएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अपना का मीनिंग माई होगा। अगर मेरा बोलते मैं मेरा काम करता हूँ तो भी माई होता। तो क्या हर बार अपना का मीनिंग माई होगा, अगली बार देख लेते हैं। सी डज ब्लैंक वर्क, वह अपना काम करती है। अब यहाँ पर चूंकि अपना का मीनिंग वह के लिए देना है, वह में भी ही नहीं सी के लिए देना है, तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ हर का यूज। तो एक तो मीनिंग हो गया मेरा तुम्हारा, उसके अलावा इन सभी शब्दों का एक कॉमन मीनिंग भी है, और वो कॉमन मीनिंग अपना है। इस चीज़ को आप अगले रूल में बेहतर समझ पाओगे। देखो अगर पर्सनल प्रोनाउन के बाद हमने क्या सीखा अभी, नाउन या भी फोर पर अधिकार व्यक्त करना हो तो हम लोग वहाँ पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव एडजेक्टिव वाला रूप यूज़ करते हैं। इसको आप एग्जांपल से समझ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह समझाना था मुझे कि किसी भी वाक्य में अपना या अपनी का अर्थ के लिए पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया तो जाता है, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार ही किया जाएगा। आया बात समझ में, सब्जेक्ट के अनुसार ही किया जाएगा। अब इसको अगर तुम समझ रहे हो तो ऐसे समझना, अगर हम कहते हैं यू आर मिसिंग योर क्लास, तुम अपना क्लास छोड़ रहे हो। यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो सब्जेक्ट के अनुसार अपना का मीनिंग क्या हुआ, योर। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं वी लव आवर कंट्री, तो क्या यहाँ योर और दियर भी आ सकता था या माई भी आ सकता था। तो अब हम कहेंगे चूंकि वाक्य का सब्जेक्ट वी है और यहाँ प्रेम का भाव है तो अपने देश से प्रेम करेंगे, तो अपना का मीनिंग बेहतर आ रहा है, तो वी के अनुसार अपना का मीनिंग योर नहीं दे सकता, दियर नहीं दे सकता। सब्जेक्ट के अनुसार अपना का मीनिंग दिया जाता है और वी के हिसाब से यहाँ आवर का यूज। इस तरह से अगर हम कहेंगे आई शेयर, मैं अपने विचारों को व्यक्त करता हूँ, आई शेयर माई व्यूज, तो यहाँ पर आई के हिसाब से ये माई सही रहेगा। अगर ये बी होता तो आवर हो जाता, सी होता तो हर हो जाता, इट होता तो इट्स हो जाता, दे होता तो दियर हो जाता, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता। आगे आप सीखोगे कि एग्जाम में इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहे हैं यू एंड आई, यू एंड आई हेल्प ब्लैंक फ्रेंड्स, तुम और मैं अपने दोस्तों की मदद करते हैं। तो बच्चा टीचर के हिसाब से सोचता है कि यू रहता था तो सर तो योर लगा देते थे, और आई रहता था तो सर तो माई लगा देते थे, और ऑप्शन में योर और माई दोनों दिया रहेगा। इसके अलावा ऑप्शन में आवर भी दिया रह सकता है, दियर भी दिया रह सकता है, चार ऑप्शन तो होते ही हैं। पर यहाँ पर ना योर सही होने वाला है, ना माई सही होने वाला है, ना दियर ही सही होने वाला है। अब ऐसे में बच्चे सोचेंगे ना यू को सूट करो ना आई को, तो दियर लगा दो। लेकिन यहाँ आवर सही हो जाने वाला है, बिना नॉलेज के भी कोई आवर लगा लेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन हर बार इस चीज़ को सही लगाने के लिए इसे सीखना होगा।
तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे अभी ही कि ये कैसे हो गया, ये चीज़ कैसे हो गया, इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे डील करेंगे। इसमें दो दो बातें पर बातों पर ध्यान रखनी होगी, आई पहले नहीं आए, यू पहले आए, क्योंकि हम 231 का रूल फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का, और इसके अलावा जो ये रूल फॉलो हुआ है इस पर भी आगे पर्सनल प्रोनाउन में चर्चा करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन को काफ़ी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, और इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन का ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हमने आपको बोला कि जब हम एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन को एक साथ ले आएँ तो ऐसे में उसे एक निश्चित ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्डर का मतलब है वो पहले सेकेंड पर्सन आएंगे, तब थर्ड पर्सन आएंगे, तब फर्स्ट पर्सन। इसको मैं याद दिला दूँ कि फर्स्ट पर्सन के अंदर मात्र दो शब्द हैं, एक हमारा आई हो गया, दूसरा बी हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव रूप भी फर्स्ट पर्सन में माना जाएगा, जैसे बी और ये अस, और इसका पजेसिव रूप भी, जैसे एक आवर्स और एक माइन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर माई क्यों नहीं लिख रहे, कि माई प्रोनाउन नहीं है, माई एडजेक्टिव है, वो पर्सन के अंदर नहीं आएगा। उसी तरह से अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन के अंदर हमारा एकमात्र वर्ड यू आता है, और यू का ऑब्जेक्टिव रूप भी इसी में शामिल होगा, और पजेसिव रूप, पजेसिव प्रोनाउन वाला रूप योर्स भी इसी में शामिल होगा। इन सब को छोड़ के बाकी सभी लिखने की जरूरत नहीं, बाकी सभी नाउन हो चाहे प्रोनाउन, सभी के सभी थर्ड पर्सन में आएंगे। आपको वाक्य लिखते समय ये विशेष ध्यान रखना है कि हम जो भी वाक्य लिखेंगे उसमें सेकेंड पर्सन का स्थान पहले होगा, थर्ड पर्सन का बाद में होगा, और फर्स्ट पर्सन सबसे अंत में आएगा। बेसिक रूल यही है, बाकी इसके एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं, उन अपवादों पर भी हम इसी में चर्चा करेंगे। तो समझना है कि अगर हम लिखते हैं यू आई एंड ही आर गुड एट इंग्लिश, तो ये एग्जाम्पल हमारा गलत है कि नहीं इस पर विचार करना है। तो वर्ब के पहले सभी सब्जेक्ट होंगे, ये सभी के सभी सब्जेक्ट है, पहले इसको ही कर लेते हैं, दोनों आई लिख दिया। अच्छा एक मिनट, इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको हम सुधारने के लिए मतलब अपने मन मुताबिक बनाने के लिए इसको हटा लेते हैं, फिर से लिखते हैं यू आई एंड ही। अब ठीक है, यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड, तो इसके नीचे दो लिख लो। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, इसके नीचे एक लिख लो। और ही कौन सा पर्सन है, थर्ड, इसके नीचे तीन लिख लो। ऑर्डर क्या कहता है कि पहले दो तब तीन तब एक, इसका मतलब मेरा ये ऑर्डर गलत हो गया। इसको लिखने का सही तरीका होगा यू ही और तब लिखेंगे आई, यही है ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये रूल सिर्फ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के समय लागू नहीं होता है, अगर ऑब्जेक्ट भी रहेगा तो लागू होगा। जैसे अगर हम कहेंगे आई नो ही एंड यू, इसमें क्या क्या गलती हो सकती है। पहली गलती, वर्ब के पहले सब्जेक्ट तो ठीक था, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, मतलब यहाँ पर हिम होना चाहिए था और यहाँ पर यू होना चाहिए था, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट तो यू हो जाएगा। क्या अब ये सही हो गया है, तो हम देख सकते हैं कि हिम थर्ड पर्सन है और यू सेकेंड पर्सन, जबकि ऑर्डर में सेकेंड पर्सन को पहले रखा जाता है और थर्ड पर्सन को बाद में, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। इसको सुधारने के लिए हम लिखेंगे यू एंड हिम। देखिए, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का ऑर्डर चेक करेंगे और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेक करेंगे, यहाँ से नहीं चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ। तो भाई अब ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो गया है, पहले ये गलत लिखा हुआ, ये हो गया बेसिक ऑर्डर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे हम कहेंगे आई एंड ही आर फ्रेंड्स, तो जरूरी नहीं कि तीन हो, दो भी रह सकता है। तो क्या ये सही लिखा हुआ है, वर्ब के पहले दोनों सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल सही है, पर ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये हमारा थर्ड पर्सन है, ऑर्डर सही नहीं हुआ, थर्ड के बाद फर्स्ट होता है, इसलिए यहाँ पर ही एंड आई, ये नॉर्मल ऑर्डर है। नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है प्रोनाउन का, 2+3+1, प्रोनाउन जहाँ भी आए सब्जेक्ट के रूप में आए, ऑब्जेक्ट के रूप में आए, वो इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब हम कहेंगे इस एग्जाम्पल को ऐसे भी रख सकते हैं पजेसिव प्रोनाउन के रूप में, माई पेन इज बेटर देन, मेरा पेन ज़्यादा अच्छा है। अब हम कहते हैं योर्स एंड हर्स, और एक ऑप्शन रखते हैं हर्स एंड योर्स, तो ये दोनों एक ग्रुप हो गए, एक ग्रुप, दोनों में कंपेरिजन हुई और हमने ये दो ऑप्शन रख लिया कि ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा। अब हम बात करते हैं
कि यहाँ पर योर्स जो है और हर्स जो है दोनों एक ही केस में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पजेसिव प्रोनाउन में है, गलत तो होगा नहीं। ये हमारा सेकेंड पर्सन है और ये हमारा थर्ड पर्सन है, ये हमारा थर्ड पर्सन है और ये हमारा सेकेंड पर्सन है। ऑर्डर कहता है कि पहले टू होगा तब थ्री होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन गलत है और ए ऑप्शन सही है। और कितना आसान बनाया जा सकता है, एग्जाम्पल के थ्रू ही रूल्स को आसान बनाया जा सकता है, और मैं भरपूर एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सेशन में। तो हमने क्या सीखा कि जब भी कोई दो या अधिक प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उनका नॉर्मल ऑर्डर होता है 2+3+1। पर क्या ये ऑर्डर हमेशा सही हो सकता है? जवाब होगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको और पढ़ना होगा, आपको आना होगा अपवाद पर। ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा पर फिलहाल काम चला लीजिए। हम कहना चाहते हैं कि 1+2+3 भी ऑर्डर हो सकता है और ये अपवाद है। अपवाद से मेरा मतलब है कि ये जो हमारा ऑर्डर है ये अपवाद के रूप में देखने को मिलता है। हमारा ऑर्डर बेसिकली 2+3+1 होता है, पर 1+2+3 ऑर्डर कब फॉलो करते हैं? 1+2+3+ ऑर्डर का फॉलो किया जाता है अगर किसी वाक्य में कोई भूल हो या दोष हो, है ना, या गलती हो और या कोई पाप हो, मतलब कोई मिस्टेक या सीन, ये सब को कोई आदमी स्वीकार करना चाहता हो या कर रहा हो, तो ऑर्डर हो जाता है 1+2+3। एक तो ये रीज़न है और दूसरा, इसमें दो रीज़न चलते हैं। एक ये रीज़न पहले आप समझ लो। अगर हम लिखते हैं यू ही एंड आई आर थेप्स, तो तुम वह और मैं चोर हैं। अब चोर होना तो अच्छी बात नहीं है, गंदगी है, ये दोष है, गलती है, और फिर भी आप मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब आप कोई गलती बात को, कोई भूल को, कोई दोष को मान लेते हैं, तो ऑर्डर ये आपका नहीं होता है 2-3-1, ये पुराना ऑर्डर हो गया, एक गलत हो जाता है। इसको सही करने के लिए अब हमें लिखना होगा आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन एंड ही, एकदम गिनती की तरह आई यू एंड ही आर थिप्स। अब ये मेरा सही हो जाएगा। मतलब कि जब हम भूल दोष गलती पाप मानते हैं तो इस जगह ये फॉलो किया जाता है, 1-2-3 ऑर्डर फॉलो किया जाता है। अगर हम कहेंगे यू एंड आई हैव किल्ड हिम, तुम और मैंने उसे मारा है। अब इस एग्जाम्पल में मारे हैं, मर्डर किए हैं, हत्या किए हैं, भूल है, दोष है, गलती है, पाप है, अपराध है, ऐसा है, तो आप यहाँ पर मान रहे हैं और ऑर्डर आप फॉलो कर रहे हैं 2+1 का, जो कि गलत है। इसको सुधारना होगा और लिखना होगा आई एंड यू हैव किल्ड हिम। आगे फिर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे रूल्स बहुत रिपीट होंगे, आप अपनी समझदारी के लिए बार बार वीडियो को देख कर समझ सकते हैं। तो ये था हमारा ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर बेसिक ऑर्डर होता है 2+3+1, लेकिन अगर भूल दोष गलती हो तो ऑर्डर 1+2+3 हो जाता है। सिर्फ भूल दोष गलती ही नहीं, एक और परिस्थिति ऐसी बनती है जब हमारा ऑर्डर 1-2-3 हो जाता है। अब यहाँ वो कब होता है, ये एक्सेप्शन कब लागू होता है, ये आप अभी अगले एक्सेप्शन में इसमें आप देख सकते हैं कि अगर प्रोनाउन, एक भी प्रोनाउन आपको प्लरल मिल जाए, हालांकि यू तो न्यूट्रल है, यू तो सिंगुलर प्लरल में आपका समान रहता है, अगर आपको वी मिल जाए या दे मिल जाए, कोई भी एक प्रोनाउन दोनों में से मिल जाए, तो फिर वहां पर भूल दोष गलती सब भुला जाइए, रहे चाहे न रहे, दोनों ही केस में आपका ऑर्डर होगा 1+2+3। जैसे अगर हम कहते हैं यू एंड वी टीच ऑन यू ट्यूब, तुम लोग और हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। अब इस एग्जाम्पल में बच्चा सोच रहा है कि तो एकदम सही लिखा हुआ, सर बोले थे पहले सेकेंड पर्सन होगा तभी फर्स्ट पर्सन होगा, 2-3-1 होगा, ये यूट्यूब पर पढ़ाना कोई अपराध तो है नहीं, एकदम सही है। पर एक्चुअल रीजन क्या है कि ये मेरा गलत लिखा हुआ है, सही नहीं, क्योंकि इसमें वी की एंट्री हो गई है, और जब भी वी या दे की एंट्री हो जाए, यानी पर्सनल प्रोनाउन अपने प्लुरल फॉर्म में आ जाए, तो उस जगह पर हमारा ऑर्डर भूल दोष रहे चाहे ना रहे, हमारा ऑर्डर दोनों ही केस में 1+2+3, 1+2+3 हो जाता है। इस पर एग्जाम में सवाल किए गए एसएससी में, इसलिए बताना बहुत जरूरी था। अब हमने लिखना है वी एंड यू टीच ऑन यूट्यूब, अब जाके ये सही होगा। तो मतलब ये हुआ कि ये मेरा गलत था और ये वाला पोर्शन मेरा सही हो गया। अगर हम इसको ऐसे रखें कि साहब क्या गलती दोष, भूल दोष गलती में तो फिर चेक ही नहीं करना था, फिर भी एक एग्जांपल रख देते हैं, वी एंड दे
आर स्मगलर, स्मगलर का मतलब तस्कर, वो ऐसे चीजों को बेचना जो अलाउड नहीं है या जिस तरह से बेचना अलाउड नहीं है उस तरह से बेचना, बिना सरकार की अनुमति के बेचना, तो उसको स्मगलर बोलते हैं। तो हम लोग और वे लोग तस्कर हैं। तस्कर होना पाप है, अपराध है, अपराध को मान लिया तो यहाँ पर प्लुरल है चाहे नहीं है तो ऐसे भी एक प्लस दो प्लस तीन को ही फॉलो करेगा। अब ये दो नहीं है तो कोई बात नहीं, तीन तो है, एक के बाद तीन है, मतलब कि आप भूल दोष गलती में तो एक दो तीन मानते ही हैं, अगर वी या दे की यानी कोई भी प्लुरल प्रोनाउन की एंट्री हो जाए तो भी इसी को फॉलो करना है। आई कॉल्ड, आई नहीं, यहाँ पर आई सुटेबल नहीं होगा इस एग्जाम्पल में। अगर हम लिखते हैं यू कॉल्ड, यू कॉल्ड देम एंड मी, क्या ये सही है? ये हमारा 2-3-1 का ऑर्डर फॉलो हो रहा है। देव हमारा थर्ड पर्सन है और देव हमारा थर्ड पर्सन है और ये हमारा मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। तो हम बोलेंगे नहीं सर, इस बार आपसे गलती हो गया, क्योंकि आप यू कॉल्ड के साथ जो देम लिखे हो ये देम प्लुरल है और जब प्लुरल प्रोनाउन की एक भी की एंट्री हो जाएगी तो इस केस में आपको 1-2-3 फॉलो करना होगा और आपको लिखना होगा मी एंड देम। आई होप मैं आपको समझा पाया होगा। ये रूल थोड़ा क्रिटिकल था और सवाल इससे बनता है एग्जाम में, इसलिए मैंने सोचा है कि आसान से आसान और घुमावदार से घुमावदार चीज़ों को, क्रिटिकल से क्रिटिकल चीज़ों को इसी सेशन में रखेंगे ताकि बच्चा आराम से जब टाइम मिले इस वीडियो को देखे और उसके बाद निश्चिंत हो जाए कि नहीं, पर्सनल प्रोनाउन का कोई भी क्वेश्चन अब मेरे से बाहर नहीं होगा। पर्सनल प्रोनाउन हर तरह से कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तक कि अब हम ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस को भी कवर कर चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन का कोई भी सवाल होगा तो वो अब हमारे रेंज से बाहर नहीं होगा। इससे भी घुमावदार क्रिटिकल क्वेश्चन भी हमने बताया था थोड़ा सा आपको इसके थोड़ा देर पहले, और उसी चीज़ को अब मैं रूल के रूप में यहाँ रखने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर दो या अधिक प्रोनाउन, ऐसा है ये लास्ट रूल होने वाला है, अगर दो या अधिक प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो इनके लिए आने वाला प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा प्लुरल होगा और वो भी पर्सन की वरीयता क्रम, मतलब जो सीनियर होगा 1-2-3 देखते हुए, सीनियर कौन होगा आपका, सबसे सीनियर 1, उससे कम सीनियर 2, सबसे जूनियर कौन आपका 3, ये देख के लगाना होगा। अब जितना बोलेंगे ना उतना कम समझ में आएगा, एग्जाम्पल देंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए अगर लिखा है You and I do my duty, your duty, our duty, यही ना समझाए थे थोड़ा देर पहले हम, तो यहाँ पर लिख कर बता दिए कि अब यू के अनुसार तो योर होना चाहिए था, आई के अनुसार तो माई होना चाहिए, ऑर्डर तो बिल्कुल ठीक है, ये 2 है और ये आपका 1 है, 2-3-1 का ऑर्डर भी फॉलो हुआ है, तो इस बार ऑर्डर भी हम लोग चेक कर लेंगे, पढ़ लिए हैं। अब लेकिन यहाँ पर आई के अनुसार जाएंगे तो गलत होगा, यू के अनुसार जाएंगे तो गलत होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि जब दो को एंड से जुड़ा रहेगा ना तो ऐसे हैं पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा प्लुरल फॉर्म में जाएगा, प्लुरल फॉर्म में जाएगा और वो भी जो सीनियर होगा उसके अनुसार, तो दो और एक में कौन सीनियर है, तो एक सीनियर है। अब आप पहला दिन का क्लास देख लो, आई का प्लुरल क्या होता है, बी। अब इसके अनुसार चलोगे तो यहाँ पर आवर तुम्हारा सही होगा, माई और योर गलत होगा। एक और क्वेश्चन ध्यान से देख लो, यू ही एंड आई अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़ा बड़ा हो गया। अब हम कह रहे हैं कि तुम, वह और मैं समझते हैं अपनी जिम्मेवारियों को, तो अपना का मीनिंग देने के लिए आपके पास पहला ऑप्शन है कि योर दे दो, दूसरा ऑप्शन है कि आप हिज दे दो, तीसरा ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने कहा डियर भी दे सकते हो भाई, अब डियर की अगर आपको मीनिंग सही लगती है तो डियर भी दे दो तुम, ये भी ऑप्शन में दे रखा। चौथा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है आवर, अब आपको जज करना है, कोई साधारण सा विद्यार्थी होगा तो उसको यू अच्छा लगेगा, वो यू के हिसाब से जाएगा, सोचेगा यू पहले आया था, योर लगा देगा, योर रॉन्ग हो जाएगा।
अब इसमें कोई तुक्का लगा रहा होगा तो हिज भी लगा दे सकता है, उसका भी रॉन्ग हो जाएगा। कोई सोचेगा नज़दीक वाला के अनुसार लगाते हैं, है ना, और मान लो कि ऑप्शन में यहाँ दियर हटा करके एक पांचवा ऑप्शन भी रख लो, अगर आपका माई रहा होता तो ये बंदा माई लगाएगा, माई भी गलत हो जाएगा, है ना। कोई सोचेगा इसमें से कोई एक के लिए तो मिल नहीं रहा है, कोई ऐसा करो कुछ अलग ही लगा दो, ऐसे भी लोग होते हैं, वो दियर लगा लेंगे, उनका भी गलत हो जाएगा। जो समझदार होगा वो देखेगा यू कौन सा पर्सन सेकेंड, ही कौन सा पर्सन थर्ड, आई कौन सा पर्सन फर्स्ट, सबसे सीनियर कौन आई, एक से अधिक प्रोनाउन साथ में जुड़े हैं, आई सिंगुलर है तो आई का प्लुरल इमेजिन करेगा, क्या इमेजिन करेगा बी, बी का कौन सा रूप होता है इतना में से आवर, आवर ही सही जवाब होगा। अब आप कहेंगे सर सब क्वेश्चन में आवरे आएगा क्या, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सेट करने पर डिपेंड करता है। अभी ये क्वेश्चन ऐसा हो यू एंड ही हैव पेड ब्लैंक फीस, अब यहाँ हम क्या भरेंगे, माई भी है, हिज भी है, आवर भी है, दियर भी है, योर भी है, क्या भरेंगे, है ना, इतना सारा ऑप्शन रखा हुआ है, क्या भरेंगे हम, अगर यू के साथ जाएंगे तो योर भर देंगे, अगर ही के साथ जाएंगे तो हिज भर देंगे, लेकिन यहाँ पर आई तो है नहीं कि अब हम आवर भरेंगे, दूर दूर तक आई नहीं है तो माई भी नहीं भरेंगे, है ना, और दूर दूर तक यहाँ आपका अब चांस है दियर हो सकता है कि ही का प्लुरल दे होता है तो दियर हो सकता है, तो इन सबको रहने देते हैं और विचार करते हैं कि क्या सही होगा। यू कौन सा पर्सन सेकेंड पर्सन, ही कौन सा पर्सन थर्ड पर्सन, सीनियर कौन यू, दे के अनुसार ही के अनुसार तो कभी नहीं होगा, हिज भी नहीं होगा, दियर भी नहीं होगा। यू का प्लुरल क्या होता है सर, यू ही होता है, तो लिखो ना योर, योर ही तो तुम्हारा आंसर होगा, इसी तरह से लगाना है। अब थोड़ा सा क्रिटिकल, हर तरह का सवाल एग्जाम में होता है तो हर लेवल का पढ़ाई होगा ना, सिर्फ आसान चीज़ों को बताकर तो हम ये नहीं कह सकते कि हो गया तुम्हारा लो, तो ये है। अब यहाँ पर आपको हमने ये सिखा रखा है, इतनी चीज़ों को कर लो, इतना आप पर्सनल प्रोनाउन में कमांड बना लो, इतना सारा रूल आप रिवाइज कर लो, देख लो, और अगर आप कमेंट करोगे, अगर रिक्वायर्ड होगी तो फिर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। इतना सारा चीज़ को रिवाइज करो अच्छे से, तो अगले सेशन में मैं आपके लिए पजेसिव प्रोनाउन लाऊंगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी, छोटा सेशन बनेगा, और इसके अलावा पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन दोनों की जानकारी रखेंगे, तो आप पर्सनल प्रोनाउन का सारा कॉमन ईयर का सेशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, क्या परेशानी हुई, ये हमसे ज़रूर शेयर करें, और बाकी उन विद्यार्थियों के बीच भी शेयर करें जो इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो इसका लाभ ले सकते हैं। ज़रूरी लगे तो हमेशा नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।